तो आज हम लोग आ चुके हैं जगतपुरा में, और जगतपुरा एक बहुत प्राइम लोकेशन है जयपुर की, और जयपुर में भी एक बहुत प्यारी लोकेशन पे मैं आ जा गया हूँ जो कि नया डीमार्ट है, वहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। अक्षय पात्र जो मंदिर है वहाँ से भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी होने वाली है। अपार्टमेंट की एक साइट है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 2, 3 और 4 BHK फ्लैट अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको टूर कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ 3 BHK का। साथ ही अगर आप 2 BHK भी लेना चाहते हैं तो 2 BHK का साइज मैं आपको बताता हूँ, 1000 स्क्वायर फीट है। और अगर 3 BHK आप लेना चाहते हैं तो उसका साइज जो होने वाला है वो होने वाला है 1400 स्क्वायर फीट। आप फ्रंट एलिवेशन देखिए बिल्डिंग का, बहुत प्यारा और खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। फिर मैं आपको धीरे धीरे लेकर के चलूंगा, इसकी एमिनिटीज दिखाऊंगा, इसकी रूफ टॉप पे गार्डन बना हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिमनेजियम दिखाऊंगा। पहले यहाँ से आप एरिया देख लीजिए आसपास का कैसा होने वाला है, बहुत प्यारा पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये एरिया होने वाला है। अभी बारिश का समय है तो कुछ पानी भर रहा है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये जो है ये देखिए, ये एंट्रेंस आ जाता है मेन, और यहीं पर पास में ही गार्ड रूम भी आपको अवेलेबल है जो कि इस तरफ में आपको मिल जाता है, और यहीं से होते हुए सीधे हो जाती है इसकी एंट्री। एंट्रेंस पे यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको गार्ड रूम है, पास में ही देखेंगे पार्किंग का पूरा बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, देख पा रहे हैं आप बड़ा स्पेस है। पानी के लिए यहाँ पर आपको बोरवेल है, और जो सीवरेज है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। ग्रॉसरी वगैरह कोई भी सामान अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो पास में ही डीमार्ट है, तो डीमार्ट से आप कोई भी सामान परचेज कर पाएंगे। पास में ही डीमार्ट है जो कि 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। मेन रोड से अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेन रोड कितनी दूरी पर है तो वो भी 200 मीटर की दूरी पर है, और मेन कॉर्नर पे ही आपको डीमार्ट भी है। यहाँ से अक्षय पात्र मंदिर जैसे कि मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो जयपुर की प्राइम लोकेशन जगतपुरा के अंदर, जगतपुरा में भी बहुत प्यारी लोकेशन पर ये फ्लैट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं विजिट करना तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा इसकी एमिनिटीज की ओर, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ये लिफ्ट और साथ ही स्टेयर्स का प्रोविजन। ये देखिए इस साइड में लिफ्ट एंड स्टेयर्स का प्रोविजन आपको दिया गया है, लिफ्ट यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाती है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ एमिनिटीज की ओर, तो आ जाइए। तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली इसकी रूफ पर, आपको मैंने फ्रंट एलिवेशन दिखाया और अब लेकर के आया हूँ इसकी, मतलब बहुत बड़ी एक रूफ है। रूफ पे आपको जो है ऊपर के साइड में पूरा आपको गार्डन डेवलप करके दिया जा रहा है, जो कि इसके देख पा रहे हैं हम कैसा सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल रहा है। देखिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक जयपुर की प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है जगतपुरा के अंदर, और साथ ही पास में ही डीमार्ट भी है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे डीमार्ट है। और अक्षय पात्र जो मंदिर है वो यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ यहाँ पर चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ओपन जिमनेजियम यानी कि यहाँ पर आपको जिम की फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि इस तरफ आप देखेंगे ये देखिए सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, साइकिलिंग यहाँ पर मिल जाती है, ट्रेडमिल मिल जाती है, साथ ही कुछ देखिए यहाँ पर पावर लिफ्टिंग वगैरह के लिए ये आपको इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। पास में ही एक वाटर पार्क भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पास में ही एक वाटर पार्क आपको दिखाई देगा, वहाँ पर देखिए वाटर पार्क में आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कैसा होने वाला है। मोजारी ढाणी के नाम से ये होने वाला है वाटर पार्क, ये देखिए अभी और भी काम चल रहा है इसका, तो ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा आपके जस्ट जो आपका फ्लैट है उसके जस्ट पास में ये जो है वाटर पार्क भी हो जाता है। यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्रीन एरिया, और साथ ही यहाँ पर पूरे पे गार्डन आपको डेवलप करके दिया जा रहा है। इस साइड से भी मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह, और जो है आसपास में पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये एरिया होने वाला है। यहाँ से देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, पूरा जगतपुरा इसकी रूफ से दिखाई देता है, इसकी छत से दिखाई देता है। आपने देखा यहाँ पर इसका एमिनिटीज़, अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ फ्लैट की ओर, चलिए चलते हैं फ्लैट की ओर। तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली फ्लैट की ओर, और जो आज मैं आपको फ्लैट टूर करा रहा हूँ वो 3 BHK का जो है फ्लैट होने वाला है। यहाँ पर प्राइजेस दो होने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बीच वाले फ्लैट होने वाले हैं उनका प्राइस तो होने वाला है 43 लाख रुपए, और जो कॉर्नर्स के फ्लैट हैं जिनसे आपको बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा उनका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 45 लाख रुपए, यानी कि 43 लाख से 45 लाख रुपए यहाँ पर 3 BHK का प्राइस होने वाला है। साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला है 1400 स्क्वायर फीट 3 BHK का। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 2 BHK लेना जो कि दूसरी बिल्डिंग के अंदर बन रहा है, भी उसका काम चल रहा है, वहाँ पर आपको 1000 स्क्वायर फीट में जो है फ्लैट अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि 33 लाख और 35 लाख दो प्राइस वहाँ पर भी होने वाले हैं। वो प्राइजेस वगैरह आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, आप देख पाएंगे क्या स्क्वायर फीट का क्या साइज क्या प्राइस होने वाला है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर हॉल का जो साइज़ है यहाँ पर वो बहुत प्यारा है। पीछे की साइड में आपको देखिए वुडन के पार्टीशन के साथ में कुछ लैंप लाइट्स लगा करके दी गई है जो कि इसकी खूबसूरती को एनहांस कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका LED पैनल है, जहाँ पर देखिए कुछ किस तरीके से इसे सजाया गया है, बीच में आपका LED लग जाएगा। पीछे की साइड में आपको रोप लाइट्स हैं, ऊपर की साइड में कुछ फैंसी लाइट्स लगा करके दी गई है, और जस्ट ऊपर देखेंगे तो फुल सीलिंग का जो वर्क है वो भी यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है रोप लाइट्स अलग कलर में है, बीच में ब्लू कलर के शेड में है, फिर पीछे के साइड में पीच कलर के शेड में है।
तो एक अलग लुक यहाँ पर इसके पूरे हॉल को मिल जाता है। हॉल का साइज इतना बड़ा है कि अपना लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों आप सेट कर पाएंगे, इतना ह्यूज एंड स्पेसियस साइज यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया गया है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि किचन हमारी ओपन हो, तो ओपन किचन यहाँ पर आपको दी गई है जो कि एल शेप में मिल जाती है। काउंटर्स यहाँ पर टॉप की बात करूँ तो ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है, नीचे की साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स, ऊपर की साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स हैं, साथ ही यहाँ पर आपको चिमनी ग्लेन की चिमनी लगा करके दी गई है जिसका आउटर पॉइंट ऑलरेडी निकाला गया है जो कि आपको बाहर की साइड में दिया गया है। यहाँ पर इस किचन के साथ में आपको एक चीज़ और अवेलेबल हो जाती है जो कि इसकी बालकनी है, बड़ी बालकनी दी गई है बैक साइड में। यहाँ पर देखिए बालकनी का साइज, बहुत स्पेसियस साइज यहाँ पर आपको बालकनी का अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ पर देखेंगे जिसकी मैंने बात करी कि 2 BHK का फ्लैट इस वाली बिल्डिंग में आपको मिलेगा, और मैं आपको बता दूँ जगतपुरा के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है जो कि अपने अक्षय पात्र जो मंदिर है वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और जो नया वाला डीमार्ट है वहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। मैंने आपको ऊपर से इसका वाटर पार्क भी दिखाया कैसा होने वाला जो कि कितने पास में है, और बाहर की साइड में देखिए ये जो है रोड है, और मेन रोड से अगर मैं बात करूँ तो मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे ही वहीं कॉर्नर पे ही आपको जो है डीमार्ट भी बना हुआ है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ 43 लाख और 45 लाख, दो प्राइस होने वाले हैं 3 BHK के। यहाँ पर विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। ऊपर की साइड में आप देखिए फोल्स सीलिंग का जो वर्क है वो भी यहाँ पर देखिए एक डिसेंट सा वर्क आपको मिल जाता है। 3 बेडरूम यहाँ पर ये अपार्टमेंट होने वाला है, यानी कि ये फ्लैट होने वाला है जो कि जयपुर की प्राइम लोकेशन जगतपुरा के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बेडरूम आ जाता है जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर इस साइड में आपको देखिए वॉल पे प्यारा सा वॉलपेपर है, ऊपर की साइड में देखेंगे वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, और इस रूम के साथ में आपको वार्डरोब्स भी अवेलेबल कराई गई है। इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये मिल जाता है आपको विंडो का प्रोविजन जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। वेंटिलेशन का होना हर घर के साथ में, हर फ्लैट के साथ में, हर हाउस के साथ में ज़रूरी है क्योंकि देखिए सफोकेशन ना हो। यहाँ पर देखेंगे तो अटैच बाथरूम है जहाँ पर आपको जगवार की फिटिंग के साथ में ये शावर एरिया मिल जाता है, और टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देखिए बहुत प्यारा है। इस साइड में आपको जो है वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, वॉश बेसिन है, और यहाँ पर वेंटिलेशन का स्पेस है। तो ये तो आपने देखा यहाँ पर इसका बाथरूम और बाथरूम का साइज और बेडरूम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेकेंड बेडरूम, फिर आपको दिखाऊंगा इसका थर्ड बेडरूम। यहाँ पर जो आपको मैं सेकेंड बेडरूम दिखा रहा हूँ उसके साथ में एक एडवांटेज और मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर एक बाथरूम है जो कि कॉमन प्लस अटैच दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए बेडरूम, बेडरूम का साइज देख लीजिए, और एसी का सेपरेट पॉइंट भी आपको अवेलेबल है। सामने की साइड में यहाँ पर देखेंगे वॉलपेपर है, इस साइड में वार्डरोब्स अवेलेबल है तो आपके ड्रेसेस सामान वगैरह आप इजीली रख पाएंगे, और एक वॉल पर इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। ऊपर की साइड में कॉपराइट लगा करके दी गई है, और ये आ जाता है इसका कॉमन प्लस अटैच बाथरूम जहाँ पर कि आप इसे इस रूम के साथ में भी एक्सेस कर सकते हैं, और कॉमन तरीके से भी चाहें तो कॉमन जो इसका हॉल है वहाँ से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आपने देखा इसका सेकेंड बेडरूम, और यहाँ पर देख लीजिए एक बार वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन आपको दिया गया है, और गिरोय का यहाँ पर जो है आपको सैनिटरी फिटिंग आपको मिल जाती है, और ये आ जाता है यहाँ पर इसका जो है थर्ड बेडरूम। बेडरूम का साइज स्पेसेस है, ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्राइस होने वाला है 43 लाख रुपए, 43 लाख इसका प्राइस होने वाला है। सामने की तरफ बड़ी सी विंडो है, ऊपर की साइड में आपको फुल सीलिंग पर देखेंगे तो वहाँ पर POP का वर्क है, और यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको वॉल पर प्यारा सा वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। इस रूम के साथ में भी एक बड़ी बालकनी आपको मिल जाती है जो कि इस तरफ आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए पहले वॉशिंग एरिया के लिए एक जगह दी गई है, और ऊपर की तरफ देखेंगे ये AC का पॉइंट आपको आउटर पॉइंट दिया गया है, और ये यहाँ से बालकनी है, यहाँ से भी आप बाहर का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा चल रही है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो आज जो मैंने आपको ये फ्लैट दिखाया है ये 1400 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, जगतपुरा के अंदर लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं अगर आप भी अक्षय पात्र मंदिर के पास में जगतपुरा के अंदर डीमार्ट से बहुत ही पास में एक प्रॉपर्टी चाह रहे थे तो एक ऐसी ही प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, पार्थ रेजिडेंसी के नाम से ये प्रॉपर्टी होने वाली है। नंबर इनके जो है मैंने डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर के आप इन्हें कॉल कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर किसी को भी कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे आपको बिल्डर से मिलाते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि JD अप्रूव्ड है और एज पर JD नॉर्म के हिसाब से बनी हुई है, और सभी जगह से आपको जो है साइड बैक छोड़ करके बिल्डिंग बनाई गई है। उस वाली बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि बैंकेट हॉल बना करके दिया गया है जहां पर छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम है आपका वो आप कर पाएंगे। बाकी मैंने नीचे से आपको पार्किंग का स्पेस दिखा दिया है, ऊपर की तरफ मैं आपको लेकर के गया था, वहाँ पर मैंने आपको जो है सारी चीज़ें एमिनिटीज़ वगैरह आपको दिखाई कि कैसी एमिनिटीज़ वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये फ्लैट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। वीडियो और फ्लैट दोनों पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से एक बार रेट मैं आपको बता दूँ, 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं तो 2 BHK का जो प्राइस होने वाला है
35 लाख और 35 लाख रुपए। और 3 BHK अगर प्राइस 3 BHK का अगर फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस होने वाला है 43 लाख और 45 लाख। अब आप जो है अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।